दिल्ली दे IGI एयरपोर्ट उत्ते एक अजीबो हादसा सामने आया है। वीरवार नूं रात एयर इंडिया दा एक जहाज अपनी उड़ान भर चुकिया सी, उदों ही जहाज दे अंदर एक चमगिद्दड़ नजर आया। जहाज विच चमगिद्दड़ दा पता लगन ते बाद जहाज नूं अद्धे घंटे बाद वापस एयरपोर्ट विच लैंड कर दिता गया। एयर इंडिया दे जहाज दे तड़के 2:30 बजे न्यूयॉर्क लई उड़ान भरी सी। जहाज नूं उड्डे करीब 30 मिंट हो चुके सन, इस दे बाद ही अंदर एक चमगिद्दड़ नजर आया। पायलट ने तुरंत जहाज नूं वापस दिल्ली लै जाण दा फैसला किया। एयर इंडिया के अधिकारी ने दस्सिया है कि A1105DEL EWR जहाज लई लोकल स्टैंड बाय एमरजेंसी ऐलान की गई सी ते जहाज नूं वापस उतारिया गया सी। वापसी उत्ते पता चले कि कैबिन विच क्रू मेंबरां ने चमगिद्दड़ वेख्या। जंगलात विभाग के कर्मियों इस नूं कढ़न लई बुलाया गया। जहाज नूं लगभग 3:55 बजे सुरक्षित रूप नाल लैंड कर लिया गया। इस घटना की वधेरे जानकारी दिंदे हुए DGCA दे अधिकारी ने दस्सिया कि जहाज विच धुआं करन तों बाद मरे हुए चमगिद्दड़ नूं कढ़िया गया। DGCA दे एक सीनियर अधिकारी ने दस्सिया कि एयर इंडिया दे B777-300ER एयरक्राफ्ट VTALM दा संचालक दिल्ली तो न्यूयॉर्क विचाले हुंदा है। कैबिन विच चमगिद्दड़ वेखण दी वजह नाल जहाज नूं वापस उतारिया गया है।